सुखनाराम गुजर। सुखनाराम ने बताया किस मांग को लेकर यहाँ कलेक्ट्री में ये धरना? मांग हमारी एक नगर निगम में हमारे करीब 135 श्रमिक काम करते हैं, 45 ट्रैक्टर लगे हुए हैं, तो उनका पिछले 3 माह से फरवरी माह से भुगतान नहीं हो रहा है। हम आयुक्त नगर निगम को, महापौर को बार बार हमने लिखित में सूचना दे दी है, परंतु आज तक वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमारे मजदूरों की और डीजल की स्थिति हमारी ख़राब हो रही है, इसलिए मजबूरी में आज हमने 4 ट्रिप की जगह 2 ट्रिप काम किया। 40 वार्डों में कचरा उठा है, बाकी के वार्डों में कचरा बाकी रहा है। डीजल तो पंप से यहीं से मिलता है निगम से कुछ नहीं मिलता, सब हमारे पैसे लगते हैं। अच्छा, निगम कुछ देता है? निगम तो खाली भुगतान करता है हमें जो काम का, तो इसके कारण से आर्थिक स्थिति खराब हो गई। मजदूरों को पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, श्रमिकों ने कहा हम काम अदा करेंगे, हमारे बस की बात नहीं, हम थक गए, आप पेमेंट करो। तो आपने ट्रैक्टर क्यों जमा करें? जमा कहाँ करें, जमा नहीं करें। ट्रैक्टरी मजदूर अपना प्रदर्शन करना है, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है कि हमारी मांग आगे कमिश्नर को कहो, आयुक्त को कहो, आप जो हमारी सुनाई कर रहे हैं हमारी सुन नहीं रहे हैं, 1 महीना हो गया हमें चिल्लाते हुए। अब आगे क्या करोगे आप लोग? आगे क्या करें, कमिश्नर साहब से बात करेंगे और जिस हिसाब से या किसी कर्मी में हमें काम 2 ट्रिप के लिए काम जारी रखना पड़ेगा और आयुक्त मना कर देंगे तो आगे हम आगे रणनीति बाद में बढ़ाएंगे। नहीं, हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। कितने महीनों बंद कर देंगे? 30 महीने, फरवरी मार्च और अप्रैल एंड हो रहा है। हाँ सर, सड़कों पर तो आए ना, हम तो काम सड़कों पर रहना है, सड़कों से कचरा भरते हैं, हमारा काम दिन भर यही है, सुबह से शाम तक।